मेरा एक एनजीओ है, नॉन गर्लफ्रेंड ऑर्गेनाइजेशन। अरे भगवान। दो तीन साल पहले एक रिलेशनशिप किया था, वो वर्कआउट नहीं हो पाया। रिलेशनशिप से ज्यादा इंटर्नशिप था। स्टाइपेंड कितनी थी? स्टाइपेंड से धोखा। अलविदा अलविदा मेरी राहें, अलविदा। याद नहीं, शर्म तो आती होगी, झूठी ही सही कसम तो खाती होगी। इंडियन आइडल 26 अक्टूबर से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। तू श्राप है, अभिशाप है, तू श्राप है, श्राप अभिशाप है, अभिशाप है। मैं श्राप नहीं हूँ, श्राप नहीं हूँ, मैं श्राप नहीं, मैं खास हूँ, खास हूँ, मैं सबकी चहेती हूँ, मैं अभी श्राप नहीं हूँ। मैं खास हूँ, मैं खास हूँ, मैं खास हूँ, मैं खास हूँ, खास हूँ। ये ट्रॉफी मैं अपनी स्वर्गवासी माँ को समर्पित करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की प्रेरणा से तो माँ मैं जीत गई। मैं सपने देखती हूँ, अपना ये विश्वास जिंदा रखने के लिए कि मेरे सपने अभी भी जिंदा हैं। काश मेरी माँ भी जिंदा होती। पता है मेरी माँ मुझसे क्या बोलती थी? माया, औरत की चोटी में उसके तीन संसार होते हैं, प्रेम, प्रतिज्ञा और पति। पर मेरा प्रेम भी अजब और पति भी, और प्रतिज्ञा तो उससे भी गजब। मेरा संसार तो मुझे आठवें अजूबे जैसा लगता है। ना जाने ऊपर वाले की क्या माया है, और ऊपर से मेरा नाम भी माया है। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। सपनों पर कोई प्राइस टैग नहीं होता, फिर भी इस दुनिया में सपने बेचे जाते हैं, और बेचते समय ये जताया जाता है कि ये फ्री का माल है, चाहे जितना ले लो, आपको इसकी कोई कीमत चुकानी नहीं होगी। लेकिन जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि लोग अपनी पूंजी गंवा चुके होते हैं, अपना कीमती समय गंवा चुके होते हैं, यहाँ तक अपनी जान भी गंवा चुके होते हैं। अचंभों से भरी ये एक ऐसी वारदात है जिसे जानकर हमें ये एहसास होगा कि झूठे दिलासों से बेहतर है कि हम सच से चोटिल हो जाए, क्योंकि सच अगर घाव भी देता है तो नसीहत भी बड़ी अच्छी देता है, लेकिन झूठ सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं देता। ब्रिज जी, आप बस कीजिए ना। है क्या? मेरी वीडियो में अपनी आवाज रिकॉर्ड क्यों की? मैं यहाँ कमर तोड़ रहा हूँ और तू है क्या? वो ब्रिज जी, मुझे लगा कि लोग आपका ये वीडियो देखेंगे तो खिल्ली उड़ाएंगे। अरे बेवकूफ, खिल्ली उड़ाने पे लाइक मिलता है, भाई जिग-जैग पे स्टार बनना है। लेकिन ब्रिज जी, जब लोग आपको निकम्मा बेरोजगार बोलते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने आपके लिए एक नौकरी ढूंढी है। क्या नौकरी? ये फालतू की नौकरी वोकरी नहीं करनी। अरे तुम कमा रही हो ना, मुझे जिग-जैग पे फोकस करने दो बस। लेकिन ब्रिज जी, मेरी नौकरी ऐसी है ना कि मुझे छुट्टी नहीं मिलती, इस वजह से मैं अपने मायके भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ तुम मायके को भूल जा, अब यहीं रह और कमा बस। ब्रिज बाऊ, अरे ये क्या नोटंकी लगा रखी है? अरे हमारे साथ साथ क्या पूरा मोहल्ले इकट्ठा करोगे? खेत से आए हैं, थोड़ा आराम करने दो। इस घर में है ना किसी को कला की कदर नहीं है, सारा का सारा मूड खराब कर दिया। नहीं बनानी मुझे वीडियो। अच्छा हुआ निकल गया,
बहू अब तुम भी आराम कर लो, उसका तो कोई भरोसा नहीं है वो आए या नहीं भी आए। की पत्नी है ना, उसको कहां से मिल गई ऐसी हूर की परी? कोई परी वरी ना है ये, डायन से भी ऊपर की चीज है। मारी पत्नी बोल रही थी, नागिन जैसी छाल है इसकी। अच्छा हाँ, फिर तो पत्नी के रूप में अभिशाप ले आया बेचारा। हाँ, और क्या। बैठिए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूं। दीनू, कितनी बार बोला है तुम्हें प्याज थोड़ा छोटा छोटा काटा करो, हर बार समझाना पड़ेगा क्या? मैं भी ना गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला और सीधा डांट दिया, आगे से ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग जी मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माया जी, कैसे हैं आप? अरे हमने गुड मॉर्निंग बोला और आपने हमें जवाब भी नहीं दिया। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, नंदा दीदी को बोल दिया था मैंने। अरे नंदा दीदी तो गई, अब हमारे ऑर्डर चलेगा यहाँ पर। करी पकड़ो, आज ये बनेगा। अरे खाने की डिमांड बढ़ती जा रही है आपकी, सैलरी भी बढ़ा देंगे। क्या हुआ मैडम? मैडम वहां पे किसी कटी हुई उंगली है। अरे रात को कोई हॉरर फिल्म देखी होगी आपने, यहाँ तो कुछ नहीं है, आपका वहम है ये। अरे चलो चलो अपना काम करो। अरे जाइए अपना काम कीजिए, चलिए जाइए काम कीजिए अपना। टेस्टी माया, तुमने तो बिल्कुल 5 स्टार के होटल के शेफ जैसी डिश बनाई है। वेरी गुड, कीप इट अप। दीदी हाँ, ये आपके गले पे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू जा काम काम कर अपना। जी पापा। और माया बेटी, ससुराल में तू खुश तो है ना? हाँ बाबा, आपका मन लग रहा है मेरे बिना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो 15 दिन बाद तीज है, अब तेरा कोई भाई तो है नहीं, इसलिए नेक शकुन लेके मुझे ही तेरे ससुराल आना पड़ेगा। इस बहाने तुझसे मिलना भी हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं इंतजार करूंगी। अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ख्याल रखना। भौजी, भौजी प्रणाम। जीते रहो बेटा, पर ये सब क्या हो रहा है? जोहरी सोने का दाम पूछ रहा है। अरे साक्षात नागिन मैया के जन्मदाता हैं आप तो। नागिन मैया? हाँ भौजी, नागिन मैया। मैं तो खुद गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मेरी बीवी माया नागलोक की देवी है। देवी? क्या बात कर रहे हो दामाद जी, ये बताओ कि माया कहाँ है?
दो दिन पहले ही नागलोक चली गई है। संदीप जी अब और मजाक मत कीजिए, ये बताइए कि माया कहाँ है? अब आप उसे वापस नहीं देख पाओगे। तुम दोनों ने क्या किया है माया के साथ? बोलते हो या पुलिस को बुलाए? अरे पुलिस, अरे बाबूजी, अरे हकीम जी, बाबूजी, अरे बाबूजी, अरे रुक जाइए, हकीम जी। नागिन मैया की जय। आइए सर, देखिए सर, मेरी बेटी का फोटो लगाकर पता नहीं क्या पागल कर रहे, पता नहीं मेरी बेटी। क्या नौटंकी है ये, माया कहाँ है? साहब इनको भरोसा ही नहीं हो रहा तो कैसे समझाएं? मेरी बीवी नागिन है और वो नागलोक को चली गई है साहब। 10 सेकंड के अंदर अगर सच नहीं बोला। 10 सेकंड क्या, 10 जने में भी सच नहीं बोला सकता। मेरी बहू नागिन है। अरे गुप्ता जी, मिश्रा जी, आप बताइए ना। जिससे पूछताछ करनी हम करेंगे और तुम दोनों से भी लेके चलो इनको। अरे आपको सांप लगेगा, आप परेशान कर रहे हैं। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं सबसे सख्ती से पूछताछ करो, कोई भरोसा नहीं है, इन लोगों ने माया के साथ कुछ कर दिया। घर के अंदर देखते हैं, आइए पूरे घर की तलाशी लो। सर सर, अंदर से दवाइयों का बॉक्स मिला है। निकालो बाहर। इस घर में आपकी बेटी, उसके पति और ससुर के अलावा और कौन रहता है? उसका देवर मुकेश। पता करो कि मुकेश कहाँ है। शामिल था ना अपने भाई के साथ इस नौटंकी में? बोलो, तुम तीनों ने मिलकर क्या किया माया के साथ? साहब हमें कुछ नहीं मालूम साहब, और मुकेश तो 10-12 दिन पहले से ही बाहर था साहब। हाँ साहब, मुकेश को तो पता भी नहीं है कि उसके पीछे से यहाँ क्या क्या चमत्कार हो रहे हैं साहब। बकवास नहीं, अगर सच नहीं बोलोगे ना तो खाल उधेड़ देंगे। साहब सच में हमें कुछ नहीं मालूम साहब। साहब उसमें पहले से ही नागिन के लक्षण थे साहब। कैसे लक्षण भाई? साहब उसके हाथों में ना वो दाग थे जैसे सांप की खाल में होते हैं ना साहब। हमने तो चरम रोग समझ के उसको वैद्य को दिखाया, लेकिन उसने बताया कि वो रोग है, वो लाइलाज है साहब। इस वजह से माया को हमारे मोहल्ले में तिरस्कार सहना पड़ा साहब। कोई बुरी बुरी ना है ये, डायन से भी ऊपर की चीज है। हमारी पत्नी बोल रही थी नागिन जैसी छाल है इसकी। अच्छा हाँ, फिर तो पत्नी के रूप में अभिशाप ले आया। हाँ, और क्या, चरम रोग की बात साहब सब जगह फैल गई। और फिर मोनी बाबा आए। मोनी बाबा? हाँ सर, मोनी बाबा की महानता को यहाँ सब जानते हैं साहब। अभी 1 सप्ताह पहले यहाँ आए थे। नागिन मैया दर्शन दीजिए। मोनी बाबा, बाबा प्रणाम। प्रणाम नागिन मैया। जय हो नागिन मैया। जय हो नागिन मैया, धन्य हो नागिन मैया। ये सब मूर्ख लोग हैं जो आपका अपमान कर रहे हैं। ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? चुप कर अधर्मी, तू और तेरा बेटा ही नहीं, तेरे पड़ोसी भी इस पाप में भागीदार हैं। इनके हाथ पे ये तेजस्वी चिन्ह देख रहे हो तुम सब? ये नागलोक की देवी है, नागलोक की देवी है ये, नागिन मैया की जय। फिर बाबा पूजा सत्कार के लिए लेकर के गए और फिर सबको दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए उन्होंने। नागिन मैया की जय। नागिन मैया की जय। नागिन मैया की जय। नागिन मैया की जय। तुम लोगों ने जो भी नौटंकी की, लेकिन माया कहाँ चली गई? साहब मैंने 2 रात पहले उसको कमरे में छोड़ा था। माई विराजी, और कल से सिर्फ सुबह के 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपके दर्शन होंगे, जब तक आप आराम कीजिए। जय हो नागिन मैया की जय हो। जय हो, जय हो। फिर जब सुबह देखा तो वो वहां नहीं थी साहब। फिर हमने मोनी बाबा से संपर्क साधा तो बाबा ने बताया कि माया तो नागलोक चली गई है साहब। सर इनका नागलोक का भूत उतारो जरा। सर माया के पड़ोसी तो उसके पति और ससुर की तरह ही बातें कर रहे हैं, उल्टा वो तो कह रहे हैं कि वो माया का अच्छे से ख्याल रखते थे क्योंकि माया फैमिली के अंदर इकलौती ब्रेड अर्नर थी। तो माया कहीं जॉब करती थी? हाँ सर, सर वो होटल ड्रीम स्टार के अंदर शेफ थी। और माया का देवर मुकेश, उसके बारे में कुछ पता चला? सर लोग बाग कह रहे हैं कि जब से नागलोक का ड्रामा शुरू हुआ है तब से मुकेश दिखा ही नहीं। पता करो इस मुकेश के गायब होने के पीछे क्या राज। और ये मौनी बाबा, सारा अंधविश्वास इस मौनी बाबा का फैलाया हुआ, इसकी कुंडली भी खंगालनी पड़ेगी। यस सर। कम, मैंने ब्रिज का मोबाइल चेक किया, वो ZigZag मोबाइल ऐप पर अपने बहुत सारे वीडियोस डाला करता था, कुछ वीडियोस तो नागिन मैया के ही थे। ये देखिए सर,
इसको काफी सारे लाइक्स और व्यूज मिले। कहीं ब्रेज ज़िगज़ॉग पे फेमस होने के लिए तो ये खराब बात नहीं कर रहा। इसके बाकी सोशल मीडिया अकाउंट भी खंगालो। मैं नागिन की बात नहीं करूंगा, नेवले की बात करूंगा। नेवला नागिन का दुश्मन, और हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि कौन सा नेवला नागिन को गायब किया है, और जल्दी ही हम उसका नाम पब्लिक करेंगे। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल अतरंगी छोकरा पर। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिखा दिखा, अभी देखना इस वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज और 1 लाख लाइक ना है तो कहना मेरी जान। क्यों नहीं मुन्ना भी, आप तो छा जाओगे। अपलोड कर, अपलोड कर फटाफट। मैं आध्यात्मिक अवश्य हूँ लेकिन अंधविश्वासी नहीं। तो माया नागिन है, नागलोक चली गई है, ये सब क्यों कहा था? मैं उस नारी की मदद करना चाहता था और वो स्वयं यहाँ मदद के लिए आई थी। बाबा जी, अभिशाप बोल बोल कर लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे पति और ससुर को भी यही लगता है कि मैं शापित हूँ। बाबा जी मेरी मदद कीजिए ना। लोग उस बेचारी का अपमान ना करें, इसलिए मैंने लोगों से कहा कि उनके हाथों पे ये किसी दिव्य रहस्य का चिन्ह भी तो हो सकता है, और लोगों ने उसे नागिन मैया बना दिया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया तो माया गायब क्यों हुई है? कहाँ है माया? माया के गायब होने से मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन मेरा इस अपराध से कोई लेना देना नहीं। जी सर, माया हमारे यहाँ पर शेफ थी और तकरीबन 12 दिनों पहले वो मुझसे 4 दिनों की छुट्टी लेकर गई थी। दीदी मुझे 4 दिन की छुट्टी चाहिए थी। माया तू तो जानती ना तेरी यहाँ पर कितनी डिमांड है। अच्छा 4 दिन बाद पक्का काम पर आ जाना। हाँ ठीक है दीदी। ठीक है। वो दीदी मुझे कुछ एडवांस मिल सकता है? सर माया मुझसे 1 महीने का एडवांस लेकर गई थी, फिर कुछ दिनों के बाद सुनने में आया कि वो नागिन बन गई है। सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये माजरा क्या है। क्या माया के होटल के किसी भी स्टाफ के साथ में कोई दुश्मनी थी? किसी के साथ में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। थैंक यू। ये लीजिए बाबा, माया का स्पेशल मलाई कोफ्ता, खाइए और दीजिए नंबर। वाह बेटी, तेरे हाथ में तो साक्षात अन्नपूर्णा है, पर ना जाने किसके प्रकोप से तेरे हाथ पे ये दाग लग गया। बाबा मैंने तो इसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया, बस मुझे आगे बढ़ना है। आप मुझे हैदराबाद। माया तुझे कितनी बार बोला है, तेरी जबान पर हैदराबाद का नाम नहीं आना चाहिए। मुझे तेरी शादी करनी है बस। ढलने को यह दाग बढ़ गया तो लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। साहब मेरी बेटी मिली क्या? देखिए हम उसे ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, पर हमें पता चला है कि माया को नागिन बनाने का सिलसिला 1 हफ्ते पहले से चल रहा था। तो इस 1 हफ्ते में आपकी माया से फोन पर तो बात हुई होगी? मेरी तो माया से 10 दिन पहले फोन पर बात हुई थी, और उस दिन तीज पर जाने से पहले मैंने फोन लगाया तो उसका फोन बंद था। सोचा था उससे जाकर मिल लूं, लेकिन वहां तो। अच्छा माया ने कभी आपसे अपने ससुर या पति के बारे में कुछ बताया कि उनका बर्ताव कैसा था? उसने की कभी निंदा नहीं की, लेकिन अब वो लोग मुझे ठीक नहीं लग रहे। माया और ब्रिज की शादी 9 महीने पहले हुई थी, तो शादी से पहले माया का किसी लड़के के साथ कोई प्रेम? अरे नहीं नहीं साहब, माया तो बहुत सुशील और संस्कारी लड़की है। अच्छा मौनी बाबा ने हमें बताया कि माया खुद उनसे मदद मांगने आई थी, क्या माया भी इस तरह की बातों में यकीन रखती थी? नहीं साहब, माया तो पूजा पाठ ना के बराबर करती थी, ये सब उनकी झूठी कहानी। पक्का मेरी बेटी के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रची गई है। इतने दिनों से कहाँ गया वो तुम? चल क्या रहा ये सब? हाँ और हो कहाँ? हमारे बगैर दिल नहीं लग रहा तुम्हारा। बकवास बंद करो और सच सच बताओ मुझे, कहीं तुमने माया को? नहीं नहीं, उस जहरीले नागिन के जहर से थोड़ी मरना हमको।
मैंने अपने पिछले वीडियो में जिस नेवले का जिक्र किया उसको संशोधित करते हुए अभी मैं गिद्ध की बात कर रहा हूँ। सर ये मुन्ना जिगजॉग ऐप पर ब्रिज का कॉम्पिटिटर है, दोनों में जिगजॉग से लेकर सोशल मीडिया के स्टेटस तक हमेशा जंग छिड़ी रहती है कि कौन किससे बेहतर है। लेकिन ये किस नेवले गिद्ध की बात कर रहा है? ये कोई इंसान है जिसने माया को गायब किया, या फिर कोई इस तरह का कांड करके सोशल मीडिया पर हीरो बन रहा? अगर इस तरह के वीडियो वायरल होते रहे तो अंधविश्वास और फैलेगा। साइबर सेल से कॉन्टैक्ट करो, उनसे कहो कि इस तरह के वीडियो वायरल करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें और मुन्ना को उठा कर लाओ। ओके सर। सर, माया के ससुराल में जो कफ सिरप की बॉटल्स मिली थी उसकी जांच में पता चला है कि उसमें काफी मात्रा में ये तो कैसी ड्रग है जो बैन है, और लोग गैर कानूनी तरीके से इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर करते हैं। बोलो ये ड्रग्स तुम लोग कौन से पाताल में सप्लाई करते थे? साहब वो कफ सिरप तो मेरे भाई मुकेश की है साहब, वो दवा सप्लाई का बिजनेस करता है ना साहब। क्या है इसमें? कुछ नहीं बाबू, खांसी की दवाई है। मुझे भी कल से थोड़ी खांसी चल रही है, मैं पी लूँ क्या? अगर इसको पी लिया ना तो सीधे ऊपर पहुंच जाओगे। अच्छा, ऐसा क्या है इसमें? कहीं तू गैर कानूनी धंधा तो नहीं कर रहा? साहब अगर मेरा बस चलता ना तो मैं मुकेश को हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता साहब, लेकिन उसको गायब कर दिया ताकि तुम लोगों के कान पर पर्दा पड़ा रहे। नहीं साहब। मुकेश कहाँ है बोलो? साहब सच में मैं कुछ नहीं मालूम साहब। सब पता चल जाएगा, थोड़ी धुलाई और करें। विशाल साहब मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। तो बोल, किस नेवले और गिद्ध की बात कर रहा था तू अपने वीडियोस में? साहब वो वीडियो तो मैंने ऐसे ही डाला था ताकि हमारे वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा व्यूज आ सके। तेरा ब्रिज के साथ में 36 का आंकड़ा था, कहीं उससे जल के तो तूने उसकी बीवी को? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरा कोई 36 का आंकड़ा नहीं था उसके साथ में, बल्कि ब्रिज और मुकेश जो उसका भाई है उन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा था। सोने पे सुहागा तो ये था सर कि मुकेश ने अपने भाभी के चक्कर में प्रेम कुमार जैसे आदमी से पंगा ले लिया। प्रेम कुमार? यही तो क्या, अगर मेरी भाभी पे गलत नया डाला ना तो कहां डालूंगा। क्या कर रहा है ये प्रेम कुमार? कौन है? बड़ा बिजनेसमैन और एक नंबर का चमड़ी खोर है। उसको लगता था कि ब्रिज नपुंसक है तो उसकी बीवी को पटा लेगा। ब्रिज नपुंसक? हाँ, उसने सिर्फ माया से नाम के लिए शादी की थी, बाकी प्रेम लीला तो दोनों देवर भाभी के बीच में चल रही थी। नाग लोक का तो पता नहीं, मुझे लगता है कहीं दोनों के दोनों प्रेम लोक में तो नहीं चले गए। ये पता लगाने का काम हमारा है, समझे? हाय संजना। मैंने तुमसे बोला है ना कि मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। संजना तुमने ही तो मुझसे दोस्ती की थी, अब तुम इस तरह ब्रेकअप क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम्हारा गारमेंट का बिजनेस है और तुम लॉन्ड्री में कपड़े धोते हो। संजना माना कि मैं लॉन्ड्री में कपड़े धोता हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्दी गारमेंट का बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, मैं बहुत अमीर होने वाला हूँ और तुमको तो मैं हमेशा खुश रखूंगा। प्लीज प्लीज संजना मुझसे शादी कर लो। तुम्हारे जैसे आदमी को ना मैं अपना नौकर तक ना रखूं, समझे तुम? बड़े यार। सर मुन्ना जो भी बोले, माया जब गायब हुई थी मुकेश उसके पहले ही गायब हो गया था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश पहले गायब हुआ और माया बाद में, ताकि दोनों के अफेयर्स पे किसी को शक ना हो। लेकिन माया को गायब करने के लिए जो नागलोक का आडंबर रचा गया ना, सबसे पहले हमें इसका राज जानना। प्रेम कुमार का कुछ पता चला? सर वो अलवर का रहने वाला है, फिलहाल गायब है। सर मुकेश भी प्रेम के लिए काम करता था, दोनों के बीच में काफ़ी कॉल्स होते थे। सर प्रेम का फ़ोन 2 महीने पहले से बंद है, जबकि मुकेश का फ़ोन 10 दिन पहले बाड़मेर में बंद हुआ था। ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है, तो क्या पड़ोसी मुल्क से ड्रग्स लाकर ये लोग ड्रग्स को यहाँ सप्लाई करते हैं? ये काफ़ी सेंसिटिव इशू है। प्रेम कुमार और मुकेश दोनों के डिटेल्स 880 और नार्कोटिक्स से शेयर करो। ओके सर। एक बात और सर, सर मौनी बाबा के कई फॉलोअर्स विदेशों में भी हैं और उसने कहा था कि माया उसके पास आती है। सर मुझे तो लग रहा है कि ये माया अपनी मर्जी से गायब हुई होगी। हाँ लेकिन माया गायब कहाँ है? मेरे अंदर से एक आवाज गूंजती है जिसपे मोहित होकर
मैं बेचैन हो जाती हूँ। ये आवाज हैदराबाद से आती है बाबा, मैं खुद को वहां जाने से नहीं रोक सकती। मुझे माफ कर देना बाबा। आपकी माया। भाग कर जा रही थी। चल तुझे मैं बताता हूं। चल चल चल, कहां भाग रही थी? दो दिन बाद तेरी शादी है और तू हैदराबाद भागना चाहती है? बाबा, प्रेम और पति का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। मैं केवल अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहती हूँ। जब तक तेरी शादी नहीं हो जाती तू इसी रूप में रहेगी। बाबा नहीं, बाबा नहीं, प्लीज दरवाजा खोलो बाबा। हैदराबाद हैदराबाद बोलते हो, तू कौन से नागलोक में चली गई? अगर तू नागिन का अवतार थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? मैं तेरी कभी शादी नहीं होने देता। माया के पिता भ्रमित होकर अब ये सोच रहे थे कि माया नागिन ही होगी या राज कुछ और भी था। माया का पति, ससुर, देवर और प्रेम कुमार ऐसे सस्पेक्ट थे जिनके पीछे पुलिस लगातार लगी हुई थी। मौनी बाबा को इन्वेस्टिगेट करना इतना आसान नहीं था। उसके फॉलोअर्स इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस की एक भी चूक इस केस को भयानक रूप दे सकती थी। तो क्या खुद माया ये स्वांग रच के गायब हो सकती थी? पुलिस को इस एंगल में कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो आखिर वो कौन से अपराध का लोग था जो एक जीती जागती लड़की को निगल गया था? सर, एंटी नार्कोटिक से पता चला है कि प्रेम कुमार बहुत बड़ा ड्रग पैडलर है। सर, एंटी नार्कोटिक सेल वाले पिछले 2 महीने से प्रेम कुमार को ढूंढ रहे हैं। और मुकेश? सर, उनका कहना है कि मुकेश प्रेम कुमार का राइट हैंड है और 3 दिन पहले बाड़मेर में ड्रग्स की बहुत बड़ी खेप भी हुई है। और इस मुकेश का फोन बाड़मेर में भी बंद हुआ था और उसने आखिरी कॉल किसी अनंत कुमार को किया था। ये अनंत कुमार कौन है, कुछ पता चला? हाँ सर, सर बाड़मेर पुलिस से मेरी बात हुई है। सर, उन्होंने कहा है कि आनंद कुमार बाड़मेर का एक और बाबा है जो मिर्ची बाबा के नाम से विख्यात है और नागों की पूजा करता है। तो क्या माया को नागिन बनाने की साजिश में ये मिर्ची बाबा भी शामिल है? और पूरे चांसेस हैं कि माया को बाड़मेर में किसी सीक्रेट प्लेस पर बंदी बनाकर रखा गया। अरे साहब, मैं किसी प्रेम कुमार को नहीं जानता और ना मैं किसी माया को और ना मुकेश को। देखो अब जरा गौर से देख, अब बोल, दोनों को जानता? नहीं जानता साहब। नहीं जानता ना, कोई बात नहीं, इसको थाने लेकर चलो, वहाँ पूछते हैं। नहीं साहब, मैं सिर्फ इस लड़के को जानता हूँ पर इसका नाम भी नहीं पता मुझे, पर कुछ दिन पहले हमारे पास आया जरूर था। बाबा जी, मुझे एक नागिन को वश में करना है, कुछ उपाय बताइए ना। नागिन तो सिर्फ उसी के वश में आती है जिसके पास सिद्ध नागमणि हो। सिद्ध नागमणि? वो कैसे मिलेगी मुझे? उसको नागमणि के लिए उतावला देख के मैंने सोचा कि उससे अपनी तंत्र साधना के लिए भी एक खोपड़ी का इंतजाम कर लूं। वो सब कुछ ला देगा तो मैं उसे एक चमकीला पत्थर दे के बोल दूंगा कि यही नागमणि है। तो सब लेकर आया था? नहीं साहब, वो दोबारा नहीं आया। अच्छा, वो किस नागिन की बात कर रहा था? नहीं, उसने बताया तो नहीं पर वो नागमणि के लिए जरूर यहाँ आएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हम यहाँ पूछताछ के लिए आए थे, लेकिन इस पर नजर रखो, मुकेश यहाँ नागमणि के लिए जरूर आएगा।
अरे उस लड़की को लक्ष्मी नगर छोड़ दे और यार कल का इंतजाम देख। अब भाई देख, रोज रोज बासी माल थोड़ी खाएंगे, कोई अच्छी सी नई लेकर आ यार। हाँ ठीक है। बाबा का प्रसाद अब तुझे खाने मिलेगा। माया का? सर मुझे नहीं पता माया का है। सर मैं मानता हूँ कि मैं ड्रग्स का धंधा करता हूँ, लेकिन नागमणि पाकर मैं सिद्धि हासिल करना चाहता था ताकि माया भाभी को नागलोक से वापस अपनी जिंदगी में ला सकूं। तेरा चक्कर चल रहा था ना तेरी भाभी के साथ? नहीं सर, मैं तो उनको पति के जुल्मों से बचा रहा था। सर ब्रिज उनका पति खिलाने के भी लायक नहीं है। देखो जिगजॉग पे तो मैं छाया हुआ हूँ, लेकिन माया मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि मैं नपुंसक नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें बच्चा पैदा करना होगा। ऐसे क्या ताड़ रही है, किसी और के साथ सुला रहा हूँ तुझे? फिर मुझे पता चला कि मेरा भाई ब्रिज प्रेम कुमार को माया भाभी के साथ सुलाने का सौदा कर रहा था। देखो भाई, बच्चा तो मैं डाल दूंगा, लेकिन एक बार से मेरा मन भरेगा नहीं। चल चल, अगर मेरी भाभी पे गलत नया डाला ना तो कहाँ डालूंगा? क्या कर रहा है? ब्रिज ही नहीं सर, मेरा बाप भी एक नंबर का लीचड़ है, हमेशा माया भाभी पे निगाहें टिका रखता था। बहू अब तुम भी आराम कर लो, उसका तो कोई भरोसा नहीं है, वो आए या नहीं भी आए। प्लीज छोड़ दीजिए मुझे, ऐसा मत कीजिए, मैं आपके बेटे की पत्नी हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। फिर मुझे उनके नागिन बनने और नागलोक जाने की बात पता चली। तो ये बता, तो वो खोपड़ी कहाँ से लाया था? किसकी कब्र खोदी थी और प्रेम कुमार कहाँ है? क्योंकि तेरे और उसकी फोन की लोकेशन उसका फोन बंद होने से पहले सेम थी। सर उस प्रेम कुमार से माया भाभी का बदला ले लिया था मैंने, 2 महीने पहले उसे मारकर गाड़ दिया था। फिर जब मिर्ची बाबा ने खोपड़ी मांगी तो कब्र से प्रेम की खोपड़ी निकाल ली। सर मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप चाहे तो मुझे सूली पर चढ़ा दीजिए, लेकिन नागमणि से मुझे माया भाभी को हासिल करने दीजिए सर। अबे कोई नागमणि नहीं है, क्यों बेवकूफ बने हो? वो मिर्ची बाबा तुम्हें बेवकूफ बना रहा था। वो सब कुछ ला देगा तो मैं उसे एक चमकीला पत्थर देके बोल दूंगा कि यही नागमणि है। बोलो माया कहाँ? पुलिस नागलोक को किसी आपराधिक क्षेत्र का कोडनेम भी मान रही थी। क्या पुलिस सही दिशा में काम कर रही थी? माया के गायब होने का रहस्य अब इस केस को किस आयाम पे ले जा रहा था? मैं जिंदगी के एक ऐसे नर्क लोक में थी जहां माँ की कही हर बात झूठी साबित हो रही थी। मेरी किस्मत में प्रेम और पति का संसार नहीं था, लेकिन मेरी प्रतिज्ञा की लौ अब भी चल रही है, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी करूंगी। सर आज सुबह एक राहगीर ने इस आदमी की लाश को देखा। सर लाश को देखकर ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन पहले इसका मर्डर हुआ है। कुछ पता चला कौन है? नहीं सर, सर इसकी जेब से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान की जा सके। बोलो। सर माया के पिता ने अपने इलाके में अनाउंस किया है कि वो अपने घर को नागिन मैया का मंदिर बना देगा। अब वो भी ये मानने लगा है कि माया नागलोक चली गई है।
सब क्या है? आपने भी अपनी बेटी माया की पूजा शुरू कर दी? इतने दिनों में आप माया का कुछ पता ही नहीं लगा पाए, तो मैं क्या करूं? मुझे लगा कि कहीं मैंने अपनी बेटी की शक्तियों का अनादर किया और मुझे परलोक में दंड भुगतना पड़ा। तो आप वाकई इतने सीधे हैं या सीधेपन का नाटक कर रहे हैं? नाटक नहीं कर रहा मैं, नाटक नहीं कर रहा। मेरी बेटी के चले जाने पर गलसा हो गया। मैंने हमेशा अपनी बेटी की इच्छाओं का अनादर किया। काश काश कि मैंने उसकी बात बहुत पहले ही मान ली होती और उसे हैदराबाद भेज दिया होता। तो हैदराबाद में ऐसा क्या? हैदराबाद में बहुत बड़ा स्कूल जहां पर कुकिंग सिखाई जाती। मेरी बेटी भी कुकिंग सीखना चाहती थी ताकि वो आगे बढ़ सके और 5-स्टार होटल में सेफ बन सके। हैदराबाद में जितने भी कुकिंग इंस्टीट्यूट हैं सब जगह पता करो क्या हाल फिलहाल में माया ने उनसे कांटेक्ट किया था, और जिस होटल में शेफ थी वहाँ भी पता करो, शायद वहाँ किसी से उसने उस कुकिंग इंस्टीट्यूट का जिक्र किया। सर माया अगर अपनी मर्जी से हैदराबाद गई हो तो ज़रूर उसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। या ये भी हो सकता है कि माया की रची कोई चाल हो। माया के फादर पर नज़र रखो और माया की तस्वीर इंडिया के सभी थानों में सर्कुलेट करवाओ। सर जिस आदमी की बॉडी हमें मिली थी उसके बारे में पता चल गया। सर उसका नाम रामेश्वर था, बड़े मोहल्ले की एक लॉन्ड्री में कपड़े धोता था। सर रामेश्वर अनाथ था लेकिन पूछताछ के दौरान पता चला है कि उसका संजना नाम की एक लड़की से अफेयर था, और सर ये संजना काफ़ी रईस और खानदानी लड़की है। इतनी अमीर लड़की का अफेयर एक मामूली लॉन्ड्री वर्कर से, क्या ये ऑनर किलिंग का एंगल है? संजना को बुलवा। यस सर। सर मेरा और रामेश्वर का कोई अफेयर नहीं था, आपको किसी ने झूठ बोला है। कहीं आप तो झूठ नहीं बोल रहे अपनी फैमिली या किसी और को बचाने के लिए? सर रामेश्वर मुझे बहुत परेशान करता था। सर इवन उसने तो मुझे किडनैप भी। कौन? छोड़ो मुझे, छोड़ो। स्टॉप करना गाड़ी जल्दी। अरे देख रुक। तुम संजना, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। छोड़ो मुझे। और अब तुम्हारी मेरी शादी होकर रहेगी। अगर रामेश्वर ने आपको किडनैप किया था तो आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर मैं बहुत डर गई थी, अगर मेरे घर वालों को पता चलता तो वो भी मुझे ही दोष देते। बोलो। सर मैंने माया के साथ काम करने वाले एक लड़के से पूछताछ की। उसका कहना है कि माया को होटल के किचन में एक दिन औरत की कटी हुई उंगली दिखी थी, तब उसको शक भी हुआ था कि वहां पर किसी का कत्ल हुआ है। What? तो ये उसने पहले क्यों नहीं बताया? सर कह रहा है कि वो बहुत डरा हुआ था। सर मुझे लगता है कि उसका बयान सही है, क्योंकि मैंने मालूम किया होटल के मालिक दिग्विजय के प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में संबंध है। हो सकता है माया को उसका कोई राज मालूम हो गया। सर फॉरेंसिक टीम किचन में लेके जाए, चलिए। सर माया ने वो सब कुछ मुझे भी बताया था, पर वो उसका वहम था। वहम था या हकीकत, ये तो फॉरेंसिक पता लगा लेगी। ध्यान रहे खून के डब्बे कितने भी पुराने क्यों ना, सब पता चल जाएगा। फिलहाल आप ये बताइए कि आपके पतिदेव कहाँ हैं दिग्विजय? तुम लोगों के होटल की किचन में खून के डब्बे मिले, किसका खून है वो? साहब हमारे यहाँ तो नॉनवेज भी बनता है, तो हो सकता है किसी जानवर का खून हो। फॉरेंसिक ने चेक किया, किसी नुक्कड़ के कसाई ने नहीं, इंसान और जानवर का फर्क समझते हैं। बोलो किसका खून? नहीं सब मैंने नहीं मारा उसे, ये सब इसकी करतूत है, सब इसे सेक्स की आदत है, जानवरों की तरह नोचता था मुझे,
तो मैंने अपनी खैर मनाने के लिए प्रोस्टिट्यूट के साथ सोने को बोल दिया। साहब, मैंने उस प्रोस्टिट्यूट की बॉडी को काट कर ठिकाने लगा दिया था, लेकिन ना जाने वो उंगली माया ने कैसे देख ली। माया को तुम लोगों के राज का पता चल गया, इसलिए तुम लोगों ने माया को गायब कर दिया। वो तो नाग मैया बन गई थी, फिर हम उसको कैसे गायब कर सकते हैं? सब लोग बोल तो रहे कि वो नागलोक चली गई है। सर, हमने इंडिया के पुलिस हेडक्वार्टर्स और कुकिंग इंस्टीट्यूट्स में भी इंक्वायरी की, हर सस्पेक्ट को खंगाला, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि माया का गायब होने के पीछे रहस्य क्या है। ये सोशल मीडिया पोस्ट, ये अखबारों की सुर्खियां, ये सब के सब इस अंधविश्वास को बढ़ावा देने में लगे हो। सर, सर काफी पूछताछ करने के बाद रामेश्वर के एक दोस्त के बारे में पता चला है जो कि फिलहाल गायब है। कौन दोस्त? सर किरण। सर, रामेश्वर के सोशल मीडिया अकाउंट पर उसका फोटो मिला। सर, किरण और रामेश्वर को कई लोगों ने एक साथ में देखा था, लेकिन सर रामेश्वर के किसी भी दोस्त से किरण का कोई पता ठिकाना नहीं मिल रहा है। संजना की बात अगर सही है तो संजना की किडनैपिंग में जो दूसरा लड़का था, मुमकिन है वो लड़का ये किरण ही हो। इस किरण के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो। गाइस, इस केस में रिविजिट करो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो इस केस में हम मिस कर रहे हैं। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है। सर, माया के केस से जुड़ी कोई नई इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली हमें, लेकिन एक दूसरे केस में रामेश्वर के दोस्त किरण के बारे में काफी बातें मालूम चली है। सर, ये किरण एक नाटक मंडली चलाया करता था जो कि काफी समय पहले ही बंद हो गई, लेकिन सर इसके एक रिहर्सल रूम के बारे में पता चला जो कि अजमेर में है। ए सागर से वास बन के उड़ते बादल, उनको पहाड़ों तक गमन कराने वाली हवा, हे धरा, हे आकाश, जीवित कर दो उसको। चल, छोड़ दो मुझे, चल, आपको उसको जिंदा करना है, छोड़ दो, चल, छोड़ो हमें। माया, तू माया को कैसे जानता है? मैं माया से उसकी शादी के पहले से प्यार करता हूँ, लेकिन हम कभी एक नहीं हो पाए। फिर एक दिन अचानक से वो मुझे मिली। प्रेम में ये जरूरी नहीं कि प्रेमी मिले, पर मैं इस नियति को नहीं स्वीकार कर पा रही कि मैं 5-स्टार होटल की शेफ नहीं बनी। और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख तो ये है कि लोग मुझे शापित कहते हैं। वो बहुत दुखी थी, उसके पति ने उसका सौदा करना चाहा, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ नहीं भागी। फिर उसको सहारा देने के लिए मैंने एक खुरापात की। मैं मोनी बाबा का भक्त था, उसने बोला मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा, लेकिन सब झूठ। इसलिए उसका भांडा फोड़ने के लिए मैंने पहले से उसके पापों का वीडियो बना रखा था। किस किस के साथ सोए हो हम सब बता देंगे दुनिया को। मेरी धमकी से डर के उसने माया को नागिन मैया बना दिया ताकि मैं उसके साथ में भाग जाऊं और लोगों को लगे कि वो नागलोक चली गई है। लेकिन जैसे ही वो नागिन बनी, मैं खुद उसकी प्रसिद्धि देखकर चकित रह गया और उसको वहां से भगा लाया। किरण, हम हैदराबाद कब जाएंगे? अब तुम हैदराबाद भूल ही जाओ। नागिन मैया की प्रसिद्धि शेफ बनने की प्रसिद्धि से बहुत बड़ी है। अब तुम भी अपने पैर मेरे साथ यहीं जमा लो। इतना चढ़ावा आएगा ना कि सारा कड़की खत्म हो जाएगा। मतलब तुम भी मुझे इस जंजाल में बांध कर रखना चाहते हो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए? अगर मैं उसे हैदराबाद ले भी जाता तो आपके झमेले में फंस जाता, इसलिए मैं उसको टालता रहा और कुछ ऊपर की कमाई के लिए लोगों को उसके साथ सुलाने भी लगा। और जब वो तेरी गिरफ्त से भागना चाह रही थी तो ने मार दिया उसको और रामेश्वर को भी। रामेश्वर का उस कांड से क्या लेना देना था? साहब, मैंने माया को नहीं मारा, लेकिन उसको भगाने में रामेश्वर की मदद ली और रामेश्वर को अंधविश्वास दिया कि अगर वो नागिन मैया की सेवा करेगा तो रईस बन जाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया और उसका मोह भंग हो गया। कहने लगा कि वो सब कुछ पुलिस को बता देगा। फिर इसी शर्त पे माना
कि जिस तरह से हमने माया को उठाया था उसी तरह से संजना को भी उठा ले। उसकी बेवकूफी की वजह से संजना भाग गई और मैं उसके चक्कर में फंसना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उसको ही मार दिया। और उसके बाद जब मैं माया को देखने पहुंचा तो मैं फिर से अपना प्रेम नहीं खोना चाहता था और मैं एक ऐसी विद्या पे शोध कर रहा था जिससे मुर्दाओं को फिर से जिंदा किया जा सकता है। मैंने माया को नहीं मारा सर, जिंदगी में मेरे हर रिश्ते ने मुझे छला है और आज मैं ये आखिरी पन्ना लिख रही हूं। ये समय भी आखिरी है, अब मेरा संसार खत्म हो चुका है, इसलिए मैं भी खत्म। माया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये जल्द ही साबित हो गया कि माया ने आत्महत्या की थी। माया एक अरसे से अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद में जी रही थी। वो अपनी तकलीफों से भी जूझ रही थी, लेकिन वो अगर कानून से मदद लेने का हौसला रखती तो शायद उसकी उम्मीदों को भी हौसला मिल जाता। पर किरण पर भरोसा करने की उसकी एक गलती ने अंधविश्वास का ऐसा माहौल बना दिया कि वो मुसीबतों से निकलने के बजाय उनमें फंसती ही चली गई। इतिहास गवाह है, अंधविश्वास हमेशा अपराध को ही जन्म देता है और फिर एक ऐसे निराशावाद का जन्म होता है जिससे मनुष्य और समाज का उत्थान रुक जाता है, जो हम सबके लिए घातक है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।